सांसद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष जिन्होंने आप सभी का स्वागत किया, डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी। डॉक्टर शास्त्री जी वो दिल्ली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। दिल्ली की जो विधानसभा थी, इस विधानसभा के 3 बार स्पीकर रहे हैं। दिल्ली के राजनीति में एक बहुत ही जिनका सम्मान है, ऐसे नेता है, और शायद आप सबको को मालूम नहीं होगा, वो एक हिंदी के अच्छे साहित्यिक भी है। और मुझे खुशी है कि आज का ये अधिवेशन अच्छी तरह से आयोजित कर देंगे। जिन साथियों ने बहुत मेहनत की, इसमें 2 लोगों का नाम मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एक धीरज शर्मा जो राष्ट्रवादी युवक का अध्यक्ष है, और दूसरे सोनिया धन जो विद्यार्थी संगठन की देश की प्रमुख है। और दूसरी एक बात है कि यह पूरा अधिवेशन, इसकी संकल्पना, इसकी व्यवस्था, इसका पूरा इंतजाम यूथ कांग्रेस और विद्यार्थी कांग्रेस ने किया है। इन दोनों संगठन के प्रमुख लोगों ने हम सभी को यह बताया कि आप लोग हमेशा इंतजाम करते हैं कि हमारी पार्टी जरूर छोटी है, लेकिन देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी पार्टी है। और इसका उदाहरण अभी मैं और फैजल बात कर रहे थे कि पार्टी का जन्म 23 साल पहले हुआ। 23 साल में पहले 10 साल ये पार्टी पावर में देश दिल्ली में रही, और महाराष्ट्र में 23 साल में पहले 15 साल, उसके बाद 2.5 साल, 17.5 साल ये पार्टी सत्ता में रही है। मुझे नहीं लगता किसी का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है अभी तक। तो केरल में तो कब पहले से है, गोवा में भी रही है, हाँ मेघालय में भी रही है। तो स्ट्राइक रेट हमारे पार्टी का हमेशा सत्ता में रहने का है। तो जब थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा कार्यकर्ता में नर्वसनेस आ जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा फेलियर देखे तो जो सक्सेस है उसकी कीमत ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा मीठा लगता है। और महात्मा गांधी के बारे में जो प्रफुल्ल भाई ने जी भी मिनट्स में कहा है, महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा से एक स्टेटमेंट रहा है कि हीरोज आर मेड इन द आवर ऑफ डिफीट, सक्सेस इज देयरफॉर वेल डिस्क्राइब्ड एज अ सीरियस ऑफ ग्लोरियस डिफीट्स। आपको अभी भी 2019 का इलेक्शन याद होगा, सब कह रहे थे कि एनसीपी पार्टी खत्म हो गई है। और इस हमारे पूरे भारत के कोने कोने में सभी के दिल में बसे हुए सम्माननीय नेता आदरणीय शरद पवार जी मंच पर आसीन, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी, सभी राज्यों के अध्यक्ष, सभी यहाँ पर उपस्थित सांसद, सभी विधायक और भी पदों पर आसीन सभी यहाँ पर बैठे हुए नेतागण, और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
केरल, गोवा, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान, सभी राज्यों का नाम ले सकता हूं जो बचे हुए हैं। सभी राज्यों से आए हुए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे साथी भाइयों बहनों और मेरे युवा साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज ये आठवां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो रहा है। मेरे तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथी, युवा साथी और विद्यार्थी संगठन के मेरे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आठवें राष्ट्रीय अधिवेशन पे हम लोग दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। बहुत टाइम बाद हमारे को एक मौका मिला जिसका मैं तहे दिल से आदरणीय शरद पवार साहब का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे कम उम्र के नौजवानों को, मेरे को और सोनिया जी को इस राष्ट्रीय अधिवेशन की जिम्मेवारी सौंपने का विश्वास दिखाया। एक ऐसे किसान की बेटी जो इस सरकार से, जो ये सत्ताधारी सरकार है जिससे कभी भी ये किसान झुका नहीं, 13 महीने तक इन्होंने हमें धूप में बिठाया, बारिश में बिठाया, गर्मी में बिठाया, लेकिन हम झुके नहीं। मैं उस किसान की बेटी हूं, मैं उस किसान का करता हूं। साहब, मैं आपके बारे में क्या बोलूं? आपके बारे में बोलना, आपके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने लायक है, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा मेरे लिए एक फादरली फिगर रहे हैं। मैं हमेशा आपको एज माई फादर, हमेशा एज एन एल्डर कंसीडर करती हूँ, लेकिन हमेशा आपने मुझे अपना मार्गदर्शन दिया, ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जी देखिए, ये आज हमारा आठवां राष्ट्रीय अधिवेशन था दिल्ली में और लगभग पूरे देश के 26 राज्यों से हमारे सब डेलीगेट्स यहाँ पर उपस्थित हुए और मुझे लगता है जिस तरीके से जोश हम सब लोगों ने देखा है, वो समय दूर नहीं जब 2024 में पूरे देश में शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का डंका बजेगा। हम लोग तेजी से अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और ये हमें, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, देश के सभी लोगों को लगता है कि गुजरात मॉडल तो बहुत देख लिया, अब महाराष्ट्र मॉडल देखने की बारी है। जिस तरीके से देश के केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणाएं की है, आर्थिक रूप से हम लोग विफल होते जा रहे हैं, श्रीलंका जैसी स्थिति में आते जा रहे हैं, अब मोदी जी पे 2024 में देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। अब एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो सभी विपक्षी दलों को साथ में ले सके, सभी लोगों के साथ में लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम कर सके और हम सब लोगों को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और देश के सभी युवाओं को अब ये लगता है कि अब शरद पवार साहब जैसा नेतृत्व की देश को ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है सभी विपक्षी दल साथ में आएंगे और 2024 में मिलके इन सांप्रदायिक ताकतों को लड़ने का काम करेंगे।